हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मसल ट्विच, टिटेनस और फैटिग्यू के बारे में। ये मसल ट्विच जो होता है ये आपका 2 मार्क्स में पूछा जाता है, और फैटिग्यू और टिटेनस जो होता है 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है और 7 मार्क्स में भी पूछा जाता है। कभी भी ये 3 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है, खासकर तो मसल ट्विच आपका 2 मार्क्स में ही पूछा जाता है। इसलिए थोड़ा सा बस इसका मतलब नॉलेज रखिएगा कि होता है क्या, या फिर इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, है ना। तो क्या होता है मसल ट्विच? द कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इज कॉल्ड ए मसल ट्विच। क्या होता है? स्टिमुलस के रिस्पॉन्स के कारण जब मसल कॉन्ट्रेक्शन करता है और रिलैक्सेशन करता है, है ना, एक तरह से सिकुड़ता है फिर खुलता है, इस तरह का हम बोल सकते हैं। तो किसके कारण? तो स्टिमुलस के रिस्पॉन्स के कारण जब मसल कॉन्ट्रेक्शन करता है और रिलैक्सेशन करता है तो इसको मसल ट्विच कहा जाता है। मसल ट्विच कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस। मसल ट्विच में जो होता है वो 3 फेजेस देखने को मिलता है। कौन कौन? तो नेमली लेटेंट पीरियड, फर्स्ट आपका लेटेंट पीरियड देखने को मिलता है, सेकंड आपका पीरियड ऑफ कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलता है, और थर्ड आपका पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन को देखने को मिलता है। उसके बाद आप नॉर्मल एक छोटा सा सिंपल मसल कर्व का फिगर बना दीजिएगा। फिगर बनाने से आपको मार्क्स 2, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 2 में 2 मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि फिगर बना दीजिएगा। ये आपका सिंपल मसल्स कर्व का फिगर है। उसके बाद है टॉपिक टिटेनस, है ना। टिटेनस इज द स्टेट ऑफ कंटिन्यूअर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल कॉज्ड बाय द रिपीटेड स्टिमुलेशन इज कॉजेज द फ्यूचर ऑफ कॉन्ट्रेक्शन वेव। क्या होता है टिटेनस? जो होता है एक ऐसा स्टेट होता है, एक ऐसा अवस्था होता है जिसमें कॉन्ट्रेक्शन जो होता है, मतलब मसल्स का जो कॉन्ट्रेक्शन होता है ना वो लगातार होता है, मतलब रिलैक्सेशन होता ही नहीं है, लगातार कॉन्ट्रेक्शन होता है। किसके द्वारा? तो एक तरह का रिपीटेड स्टिमुलेशन के द्वारा आपका लगातार कॉन्ट्रेक्शन होते रहता है। इट कॉजेज द फ्यूजन ऑफ कॉन्ट्रेक्शन वेव। क्या होता है जब लगातार जब कॉन्ट्रेक्शन होता है ना तो क्या होता है ये एक तरह का कॉन्ट्रेक्शन वेव में फ्यूजन हो जाता है, एक दूसरे से लोग क्या होता है जुड़ जाता है, फ्यूज कर जाता है। इन टिटेनस देयर इज सस्टेन कॉन्ट्रेक्शन विथ नो रिलैक्सेशन। क्या होता है टिटेनस में? तो कॉन्ट्रेक्शन में मतलब टिटेनस में जो होता है वो कॉन्ट्रेक्शन लगातार होता है। सस्टेन का मतलब होता है लगातार, विथ नो रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन उसमें होता ही नहीं है। द प्रोसेस ऑफ ऑप्टेनिंग टिटेनस बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलस इज कॉल्ड जेनेसिस ऑफ टिटेनस। क्या होता है कि स्टिमुलस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर टिटेनस प्राप्त करने के प्रोसेस को टिटेनस की उत्पत्ति कहा जाता है। जेनेसिस को हिंदी में उत्पत्ति मतलब क्या बोलते हैं, उत्पत्ति कहा जाता है, है ना। इसका आप नॉर्मल फिगर बना सकते हैं कि टिटेनस किस तरीके से लगातार वो कंप्लीट टिटेनस एक होता है, लगातार वो एक तरह से कॉन्ट्रेक्शन करते रहता है, उसका एक नॉर्मल फिगर आप ये बना सकते हैं। उसके बाद इसका क्या किस किस कारण के कारण कॉज क्या क्या कारण होता है टिटेनस का? तो सबसे पहले आपका मल्टीपल स्टिमुली, बहुत ज़्यादा स्टिमुली मिलेगा तब आपका क्या होगा टिटेनस होगा, मतलब लगातार कॉन्ट्रेक्शन होगा। स्टिमुली का मतलब होता है वो चीज़ या फिर वो घटना जो किसी ऑर्गन या टिश्यू में एक स्पेसिफिक फंक्शन रिएक्शन प्रोड्यूस करवाता है। मतलब क्या चीज़? कोई भी एक ऐसा घटना जो क्या करेगा ऑर्गन और टिश्यू में एक तरह का स्पेशल फंक्शन का रिएक्शन प्रोड्यूस करने में लगातार वो प्रोड्यूस करवाता है, उसको स्टिमुली कहा जाता है। सस्टेन कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल क्या होता है, क्या कारण होता है? तो एक तरह का बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रेक्शन होगा मसल्स में तो वो आपका टिटेनस का कारण बनता है। सिम्टम्स ऑफ टिटेनस, क्या क्या सिम्टम्स है आपको अगर टिटेनस हुआ है तो क्या क्या देखने को मिलेगा आपका, मतलब शरीर में क्या क्या कारण या फिर क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा, है ना। कंटिन्यूस मसल कॉन्ट्रेक्शन, आपका मसल लगातार कॉन्ट्रेक्शन करेगा। उसके बाद आपको रेस्टलेस फील होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुस्ती भरा फील होगा। उसके बाद हेडेक होगा, उसके बाद हाई फीवर आपको आएगा, स्वेटिंग होगा, उसके बाद इसके कारण आपको डेथ भी हो सकता है, है ना। फिर आपका फैटिग्यू, मसल फैटिग्यू इज द इनएबिलिटी ऑफ मसल्स टू डू नॉर्मल परफॉर्मेंस। क्या होता है मसल फैटिग्यू जो होता है वो मसल्स का क्या होता है इनएबिलिटी, मतलब मसल जो होता है उसमें नॉर्मल परफॉर्मेंस कर ही नहीं पाता है, मतलब मसल्स का जो नॉर्मल काम होता है कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन वो काम मसल्स फैटिग्यू के कारण वो काम नहीं हो पाता है ना, एक नॉर्मल काम करने के लिए वो वंचित हो जाता है फैटिग्यू की वजह से। इट इज़ अ फेलर टू जनरेट पावर, इसकी वजह से क्या होगा फैटिग्यू के कारण वो मसल्स जो होता है वो पावर को जनरेट करने में वो फेल हो जाता है। इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, ये क्या होता है इट इज़ इनएबिलिटी टू डू वर्क, मतलब ये क्या कहता है काम करने में असक्षम हो जाता है, मतलब काम नहीं कर पाता है फैटिग्यू के कारण। फैटिग्यू अकर ड्यू टू प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज, फैटिग्यू किस कारण से होता है? तो लगातार एक्सरसाइज या फिर बहुत लंबा मतलब एक्सरसाइज करने से आपको फैटिग्यू हो सकता है। फैटिग्यू इज डिक्रीज इन मस्कुलर एक्टिविटी ड्यू टू रिपीटेड स्टिमुली, क्या होगा फैटिग्यू क्या करता है फैटिग्यू इज डिक्रीज इन मस्कुलर एक्टिविटी, मस्कुलर एक्टिविटी में क्या होता है डिक्रीज हो जाता है, किसके कारण? तो रिपीटेटेड स्टिमुली के कारण फैटिग्यू में डिक्रीजेस होता है। उसके बाद नॉर्मल फिगर आप फैटिग्यू का ये बना सकते हैं।
क्या क्या कारण होते हैं कॉजेस प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज। सबसे पहला तो आपको बहुत लंबा एक्सरसाइज करने से आपको फैटिग होगा, उसके इनसफिशियंट ओ टू का कमी के कारण, डिप्लेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के कमी के कारण आपका फैटिग का प्रॉब्लम होगा, लैक ऑफ एटीपी, एटीपी के कमी के कारण भी हो सकता है, आयनिक इम्बैलेंस होगा, है ना। उसका इफेक्ट ऑफ फैटिग का क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है। फर्स्ट तो मसल एक होगा, रैपिड ब्रीदिंग, बहुत जल्दी जल्दी आप सांस लेंगे, स्टमक में पेन होगा, टाइर्डनेस होगा, स्वेटिंग होगा और लॉस ऑफ डिजायर होगा।